करते हैं, आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा, क्या मूवमेंट रहेगी आने वाले हफ्ते में, किस सेक्टर्स में, कौन से स्टॉक में मूवमेंट रहेगी, निफ्टी क्या होगा, निफ्टी का किस हद तक निफ्टी ऊपर जा सकती है, किस हद तक निफ्टी नीचे आ सकती है, क्या है पिवोट लेवल, डोजी कैंडल पैटर्न बनाया है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, लॉट्स ऑफ थिंग्स जब आप स्टडी करते हो उसमें से एग्जैक्ट इंडिकेटर कौन सा यूज करना चाहिए वो अगर यूज करना आप सीख लोगे तो आप भी निफ्टी का लेवल परफेक्ट निकाल सकते हो। सो चलिए बात करते हैं वायरस, रोज नए नंबर्स ऑफ पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे, कम होने का नाम कहीं पे भी नहीं है, ये बड़ी दुखद घटना है। हम लोग घर पे रह के मास्क लगा के सपोर्ट कर सकते हैं और हम लोग कर भी रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है इंक्रीज होगा कैपिटल गेन टैक्स यूएसए में, देन उसके बाद में अगर आप देखोगे पिछला हफ्ता आने वाले 15 मई तक, मैं आज यहाँ पे आप लोगों को सतर्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफी सारी स्टडी की, मैंने लास्ट 24 आवर्स में सारी स्टडी करने के बाद, सारी प्लेनेटरी डायरेक्शंस देखने के बाद यही एक कंक्लूजन निकला है, एज पर प्लेनेटरी डायरेक्शन 15 मई तक ये वायरस का इफेक्ट रहेगा और 15 मई के बाद में थोड़ा कम होते हुए हम लोग देखेंगे, जून फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक हम लोग वापस नॉर्मलाइज, जैसे नवंबर दिसंबर हो गया था कि फर्स्ट जोन खत्म हो गया, अभी सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई है, ऐसे ही होगा जून फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में, बट हाँ और सतर्क रहिए आने वाली थर्ड जो वेव रहेगी वो सितंबर अक्टूबर में वापस माइल्ड वेव आएगी, क्योंकि मैंने ना इसकी स्टडी इस तरीके से की, लास्ट 100 ईयर्स बिफोर जो वायरस आया था उसका इफेक्ट किस प्रकार का था, तो सेम था, 3 जोन में ये आया था, फर्स्ट मीडियम था, सेकेंड हाइयर था और थर्ड माइल्ड था जो किसी को पता नहीं चला था, बट कॉशियस इससे इकोनॉमी काफी डिस्टर्ब हुई थी लास्ट 100 ईयर बिफोर भी और दिस टाइम भी इकोनॉमी काफी डिस्टर्ब हो चुकी है और हो रही है, पिक्चर्स अलग अलग हमारे सामने आ रहे हैं बट एग्जैक्ट पिक्चर जब तक आपके सामने नहीं आ रही है, और सडनली किसी दिन आपके सामने पिक्चर्स आ जाएगी और मार्केट गिरते हुए अगर आप देखोगे, तो इसीलिए मैं लॉट्स ऑफ टाइम आपको सतर्क करते आई हूँ कि यस कॉशियस रहिए, प्रॉफिट बुकिंग करिए, पेट्रोनेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, हिंद पेट्रो, बीपीसीएल, इंफोसिस, यूबीएल काफी हाई वॉल्यूम के साथ बंद हुए, पीवीआर मुझे आने वाले हफ्ते में, टाटा पावर, एक मुथूट फाइनेंस में भी वॉल्यूम मुझे अच्छा लगा है, अगले हफ्ते रिजल्ट है, एचडीएफसी लाइफ का रिजल्ट है, कैस्ट्रॉल इंडिया का रिजल्ट है, आलोक इंडस्ट्रीज का रिजल्ट है, काफी अच्छी कंपनीज का रिजल्ट है, आने वाला हफ्ता जो रहेगा ये महीने की एक्सपायरी का रहेगा, एक्सपायरी मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने वाले हैं, अब डीआई और एफआईज की बाइंग भी बहुत मैटर करती है, जो एफआई जो थे उन्होंने 13.60 करोड़, 0.76 करोड़ का सेल किया है लास्ट वीक और डीआईज ने 16.95, 0.59 करोड़ का बाइंग किया है, एज पर कंपेयर डीआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उन्होंने बाइंग बहुत अच्छी की है, एक बार वो अगर सेलिंग के लिए छोटा मोटा भी माल बेचने के लिए निकालेंगे तो मार्केट नीचे आने के चांसेस ब्राइट है। सो 15 मई तक मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, जो हार्ट मतलब लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि जो जल्दी इफेक्ट हो जाता है, जो इमोशनली वीक है, ऐसे लोगों ने, ओल्ड एज वाले लोगों ने मार्केट से दूर रहना ज्यादा बेटर रहेगा, अकॉर्डिंग टू पीवोट कैलकुलेशंस एंड डोजी काइंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से निफ्टी का क्लोजिंग जो था वो 14,341 था, 14,443 अपसाइड, 14,546 सेकेंड लेवल, नीचे के लेवल की अगर मैं बात करूं तो 14,256, 14,170.70 और 14,000 हम लोग एक बार देख सकते हैं दिस वीक, 1.9% का फॉल हमने लास्ट वीक देखा था, बुरा था आई नो बट कुछ नहीं कर सकते, मैंने आपको लास्ट संडे सैटरडे ही सतर्क किया था कि यस ऐसे हो सकता है निफ्टी 14,200 आ सकती है और उसी तरीके से हुआ है,
क्योंकि प्लानिटरी डायरेक्शंस, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस एंड टेक्निकल फंडामेंटल कैलकुलेशंस के हिसाब से जब निफ्टी का लेवल निकलता है तो यस बहुत परफेक्ट निकलता है। सनसेक्स 47,876 था। देन उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग बात करते हैं अबाउट बैंक निफ्टी। क्या होगा बैंक निफ्टी का? अब इसी तरीके से मैंने बैंक निफ्टी के भी कैलकुलेशंस किए हैं। 31,722 नीचे का लेवल क्लोजिंग था, 31,722, 31,350, 30,978 ऊपर का लेवल 32,121 एंड सेकेंड लेवल है 32,520। इस तरीके से आने वाला मार्केट हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा। मैं आने वाले हफ्ते तक नहीं है, मैंने लास्ट आपको 15 मई तक दी है। निफ्टी की लेवल आ सकती है 13,500। कॉशियस रहिए, रोल ओवर की चिंता ना करें, आपको अगले महीने में भी रोल ओवर अच्छा खासा मिल जाएगा। सो बी कॉशियस, सब चीजें बहुत प्रॉपरली सोच समझ के कीजिए, स्ट्रैटेजीज यूज करिए। स्ट्रैटेजीज बहुत मैटर करेगी, एक बाइंग एक सेलिंग में रहिए। एक स्टॉक अगर आपका बाइंग है तो दूसरा स्टॉक आप सेलिंग में हो तो यस लॉस के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको काम करना है तो यस मंडे कल से इवनिंग 8 to 10 स्टॉक मार्केट क्लासेस की बैचेस, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज। उसमें आपको पता है म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे ट्रेडे, फ्यूचर ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, 58-week strategy, newspaper strategies, lots of magic formulas, काफी सारा एक पैकेज बना के, मतलब स्टॉक मार्केट में सक्सेस का पैकेज बना के मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। यस मैं खुद ऑनलाइन आपके साथ जूम पे रहूंगी। क्लासेस आप रिपीटली कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस, ये क्लासेस का बेनिफिट है। और यस उसके साथ में अगर लक चाहिए तो न्यूमरोलॉजी, अगर आप साथ में प्रेडिक्शंस लेते हो तो 10% न्यूमोलॉजी के प्रोफाइल पे आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। टिल देन गाइस ऑल द बेस्ट। अगला हफ्ता आपके लिए बहुत प्रॉफिट भरा रहेगा। घर पे रहिए, सपोर्ट खुद के लिए भी जरूरी है और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी जरूरी है। आए दिन जो मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, बहुत बुरा लगता है। एक ही चीज करिए, घर पे रहिए, फैमिली को सपोर्ट करिए। टिल देन गाइस ऑल द बेस्ट।